फ्योली बोलो के बुरास बोलो फूल फ्योली बोलो। मैं सरोज भारन, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी लोगों को हरेला पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज से सावन भी स्टार्ट हो गया है। भोलेनाथ सभी पे अपनी ऐसी कृपा बनाए रखें। तो मैं जा रही हूँ मंदिर, अभी हो रही है मंदिर की तैयारी, फिर मंदिर जाके पूजा करके आते हैं। थोड़ा पूजा के लिए सामग्री ले लेते हैं। और सर बढ़िया है क्या? प्रणाम और बढ़िया। अरे उमेद भाई, हर हर महादेव। कैसे उमेद भाई? सब ठीक है? चलो बढ़िया। नमस्ते नमस्ते। और बढ़िया, सब भले की कृपा। हर हर महादेव। आपने टाइम से निपटा लिया है। धन्यवाद आप लोगों का। भगवान शिव शंकर के मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत जय भोले, हर हर महादेव। महादेव, बहुत भीड़ लग रही है मंदिर में। जबकि आज हरेला भी है, लेकिन लोग सब भी टाइम में पहुंच चुके हैं। सब लोगों का फोटो सेशन हो रहे हैं। हेलो बिन भाई,
करने की कोशिश करें। फिर बच्चे इसके अंदर चल के जा रहे हैं कि कैमरे के रोलिंग के सबसे पहले जो होता है और ट्रेन को मत जलाओ तो बाबा जी खूब रश हो रहा है, खूब हो रहा रश। जय हो बाबा जी की। जय हो जय। रश तो ज्यादा नहीं अभी होगा, आज हरेला भी है ना। ये देखो भक्त जन लगे हुए हैं सब। भैया हाँ बोलो बोलो। हम ये कह रहे हैं आपने मूर्ति के दर्शन ऐसे में ये व्रत का बहुत गिरेगा तेरी में सब टपक रहा है प्रसाद भगवान के पैरों में नहीं मुंड में घुस आ जाए रात का प्रसाद भैया देख हमारी भी सुन ले जा बहुत फसल मनाती है देख ये प्रसाद टपक गया ना इस पर ये मार दिया तो ये दोष लगता है। तो बाबा जी मुझे अस्सी पार्वती की मूर्ति दिखाने ले जा रहे हैं। जय हो भोलेनाथ। कब है इसका अनावरण? जय हो भोलेनाथ। विचार तो ये था ऐसी ही ऐसी अभी लोग कह रहे हैं कि इसको पेंट होना चाहिए। नहीं तो सजाएंगे तो उसको भी बता रहे हैं जैसे आंखों में तिलक हो गया बाल हो गए नहीं किसी का झगड़ा था हम और इस वाले कमरे में रखा है पार्वती जी को अलग अलग कमरों में रखा है। जब स्थापना हो जाएगी तब दोनों को साथ रखा जाएगा। ये अभी माता रानी को पूरा ढक के रखा हुआ है। तो आप क्या होगा बाबा जी उसका? और सबसे ज्यादा सुंदर ये थी। नहीं तो आप क्या होगा वही क्या होगा? तो आप भी तैनात हो रखे हैं। बढ़िया है। भीड़ ज्यादा होगी आज? हाँ हाँ पहला सोमवार है तो भीड़ था। तो भाई साहब लोग ड्यूटी पे हैं यहाँ पे और बढ़िया बात है। बाबू जी जी कहाँ पे सोचा है विचार कहाँ पे वैसे? वही है चबूतरे में ना। ठीक है उसकी ऊंचाई का श्रृंगार सब देंगे। तो आगे हम लोग भोलेनाथ के दर्शन करके तो ये हमारी गांव की महिला मंगल दल की अध्यक्षा पहुंच गई है। तुमको तो सबसे पहले पहुंचना चाहिए था यहाँ। तुम तो देर में क्यों आ रहे हो? और सचमा ठीक ठाक? बढ़िया बढ़िया। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं वाला है। आगे हम लोग
भोलेनाथ जी के दर्शन करके। खूब रश हो रहा है मंदिर में, भीड़ भाड़ बढ़िया सा। और बाबा जी ने शिव पार्वती की मूर्ति दिखाई जिसकी स्थापना होनी है। नमस्कार 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 एग। और उधर से आ रहे हैं चाचा जी लोग, तीन व्यास साड़ी पल्ला दिया मुंड में। चय नमस्ते 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 चय नमस्ते। पहुंची मैंने कहा हरेला की बधाई बहुत बहुत कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मृगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि हर हर महादेव। पहुंच गए जी हम अब घर, और अब करते हैं दुकान की तैयारी। चंदन कितना लगा हुआ है, बाप रे। तो यहाँ पे एक मंदिर और पड़ता है बीच में, माँ लखनेश्वरी। तो जब हमने सोचा कि हम आ ही रखे हैं तो वहाँ भी चले जाते हैं, माँ लखनेश्वरी। अरे और यहाँ पे आ रही है ना धान बो रखे हैं। अरे धान की खुशबू बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है धान की। ऐसी खेती हो जाए तो क्या चाहिए। और बहुत ब्यूटीफुल जगह है। हमारे कैरसन में ऐसी खेती नहीं है, पहले ऐसे देखने को मिलती है सोनियाणा गांव में, लेकिन सोनियाणा गांव में भी अब ऐसे ही हो गया है। लेकिन कुमाऊं में जब आओ ना तो ये सारी चीज़ देख करके मन बहुत मनमोहक हो जाता है। ये देखो धान क्या ले जा रहे हैं, सारे रुपाई वाले खेत हैं यार। कितने सुंदर खेत हैं भाई, वाओ। ये चकबंदी वाला खेत है ना, यही क्या है? हो सकता वही चकबंदी होगा भाई, हो सकता वही हो। बाप रे कितने डेंजर है भाई वो, इतने डेंजर कुत्ते वहां पे। जबरन से फड़े ना दोनों, हाँ हाँ। तो उनको गर्मी नहीं लगेगी इसलिए है। अंदर नहीं आता, जय हो नंदी महाराज, जय हो शिव शंकर महाराज की जय। जय हो भोलेनाथ जी। बहुत बड़ा सा शिवलिंग यहाँ पे, लेकिन ये मंदिर यूज में नहीं है क्या? क्यों नहीं है यहाँ पर कुछ कर ही नहीं। अरे अभी धो रखे वहाँ, देखो सब बर्तन उनके। मेरे को लग रहा कल के लिए तैयारी हो रही है। हाँ हो सकता कल की तैयारी हो गई है, कल यहाँ बहुत भीड़ रहती है। हाँ यार मामा बेलपत्री जानी थी यार, ले चलते थे यार से बेलपत्री। ये पूरी कल की तैयारी हो रही है। जय हो भोलेनाथ जी। विष्णु भगवान जी, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता, ये तो चक्र होगा, यहाँ धनुष होगा, वहाँ मुरली होगी, सब एक जैसे। ये भोलेनाथ जी को चढ़ा देगा, भोलेनाथ जी चढ़ा देगा। और ये है रुद्राक्ष का पेड़, और इस पे ये देखो लगे भी हैं, दिखने रहा होगा। ये है रुद्राक्ष, ये है ये देखो, ये देखो ये मेरा हाथ है, हाँ लगे हुए, ये देखो। और ये और इसके अंदर से निकला ये, हाँ वही है तो रुद्राक्ष। ये है रुद्राक्ष,
लीजिए चलो आओ। आप लोग बैठिएगा ना उधर ही। पर मंदिरों में शांति कितनी रहती है भाई, शांत एकदम सा। अच्छा इस मंदिर का नाम क्या है भाई? यहाँ लखनेश्वरी के लग से लखनेश्वरी भाई, मैंने वहाँ पे लखनेश्वरी सुना था। ये यहाँ पे एक खुली वाला मकान है, मेरे को तो खुली वाला मकान इतने बढ़िया लगते हैं ना, तो सुंदर है। नेहा तेरा क्या कहना है? बहुत ही सुंदर है, देखो हम खेती तो करते नहीं है लेकिन जहाँ तक हमने देखा हुआ है, अब गैरसैंण में तो आपको ऐसी खेती मिलेगी नहीं। यही यहाँ बहुत प्लेन है, आप भी देख ही रहे होंगे, और वही वही यही देख, बहुत मेहनत ही बहुत होते हैं ना यहाँ के लोग, बहुत मेहनत करते हैं खेतों पर। क्या है भाई, और हमारे तो गोरू सुबह डाले अली ना ना, हम लोग ना गढ़वाल बहरी गैरसैण। हाँ होय होय, फोन छोड़ दिया, ऐसा मत करना तुम यार। घर भी इतने नजदीक, खेत भी इतने सुंदर से, रियल में यार बहुत ही ब्यूटीफुल यार। अनु पापा देख रहे हैं कितनी सुंदर फसल हो रखी है। क्या नाम है क्या तुम जानते हो? अच्छा पटल गया। तो यहाँ पे है नेहा के मामा का घर, और इन्होंने उनको बता दिया, तो वो जबरदस्ती कर रहे हैं कि चाय पी के जाओ, तो उनके घर में जाते हैं। तो अरे कहाँ नेहा कहाँ? अच्छा ये उनकी जमीन है, ये सारे उनकी तेरे मामा लोगों की। तो तुम अपने मामा लोगों को बोलो यहीं पे हमको एक मकान बनाने के लिए घर दे दो, जमीन दे दो बोलना। बढ़िया, तो एक बिल्कुल रोड पे है ये, कह रखी है सारी जमीन उन्हीं लोगों की है, यहाँ पे जितना बोर रखा है, और सामने है उनका मकान। मोटी हो गई है बहुत ज्यादा, देख ले यहाँ भी बोल रहे तुझे मोटी हो गई है, मोटी हो गई। बहुत प्यारी लोकेशन पे है, ये तो सबको बता दे अपना राज। मोटे होने का कन्नू पे नहीं लग रहा है। तो दोस्तों ये रहे मेरे मामा जी। हेलो मामा। हेलो। तो मामा लोग आजकल घर आ गए हैं, अब शिफ्ट हो गए हैं मामा लोग इधर ही।